हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस वन संकल्प से सिद्धि में। दोस्तों, सेक्शनल टेस्ट की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी टेस्ट संख्या 4, जिसमें वाक्य और वर्तनी शुद्धि जो हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा था, इसका यह दूसरा पार्ट रहेगा, जिसमें हमारे कुल प्रश्नों की संख्या जो रहे वो रहेगी पहले की तरह कुल 60 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज का ये वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य कैसा है, अशुद्ध है, इसको हमें चयन करके बताना है कौन सा है। पहला है उसमें बचपन है, दूसरा दिया है उसमें बचपना है, तीसरा है वह बचपन से नटखट है, और चौथा है तुम बचपन से सीधे हो। तो दोस्तों आप यहाँ पढ़कर समझ पा रहे होंगे बहुत ही आसान वाक्य है, इसमें बहुत आसान हो जाएगा इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट होगा, उसमें बचपन है ना। इसका शुद्ध रूप देखिए आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया भी गया है, यहाँ पर उसमें बचपन नहीं बल्कि उसमें बचपना है, तब ये आपका वाक्य शुद्ध होता। इसके बाद वह बचपन से नटखट है, ये भी आपका बिल्कुल सही था, और तुम बचपन से सीधे हो, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपकी जो शुद्ध वर्तनी में जो शब्द दिया गया है उसको हमें चयन करके बताना है। पहला देखेंगे अनुभूति, दूसरा है अनुभूति, तीसरा है अनुभूति, और चौथा है अनुभूति। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, अनुभूति। ठीक है, तो आपकी जो शुद्ध वर्तनी है इस शब्द की वो क्या रहेगी, अनुभूति। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। हमें बताना है विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला देखेंगे विकल्प हमारा क्या है, वह उद्दंडनीय है, दूसरा है वह दंड भोगने के योग्य है, तीसरा है वह दंड योग्य है, और चौथा है दोस्तों आपका वह दंड देने के योग्य है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका विकल्प जो सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वह दंड योग्य है। इसके अलावा जो आपके अलग अलग विकल्प में सभी देखिए विकल्प में कहने का अर्थ जो है वो लगभग एक जैसा निकल रहा है, लेकिन इस वाक्य का जो सबसे शुद्ध रूप है वो आपका यही रहेगा। जैसे इसमें वह दंड भोगने के योग्य है, तो यहाँ भोगने के फालतू में दिया है जो कि गलत है। चौथे विकल्प में वह दंड देने के योग्य है, तो ये भी आपका देने के नहीं आएगा यहाँ पर, और इसके अलावा वह उद्दंडनीय है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। हमें बताना है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन है आपका चांद, दूसरा है अंगना, तीसरा है अंक, और चौथा है आपका आंख। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो बी है इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं तो जो 3 विकल्प हैं इनमें शब्दों की वर्तनी दोस्तों अशुद्ध दी गई है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं चांद की, तो दोस्तों आपको पता होगा चांद में जो बिंदु आता है वो आपका चंद्र बिंदु रहता है, लेकिन ऑप्शन में आपको यहाँ पर अनुस्वार बिंदु दिया गया था। ठीक है, इसी प्रकार अंक में आपका आएगा अनुस्वार बिंदु, जो कि गलत दिया गया था चंद्र बिंदु लगा करके, और आंख में भी दोस्तों आपका चंद्र बिंदु आता है। तो इस प्रकार जो अन्य विकल्प है इनकी जो वर्तनी शुद्ध रहेगी वो भी मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे शुद्ध वाक्य का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य आपका कैसा है, शुद्ध है, उसको हमें चयन करके बताना है। पहला है मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, दूसरा है तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तीसरा है इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, और चौथा है दोस्तों आपका समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहले विकल्प में जो आपका दिया गया था मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े, तो दोस्तों यहाँ पर रेशम के नहीं होता, अगर आपका रेशमी होता, यहाँ पर क्या होता, रेशमी कपड़े पसंद किए, तब ये आपका विकल्प सही होता, तो इसलिए ये विकल्प तो आपका गलत हो गया। दूसरा था तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, यहाँ पर तुम्हारी नहीं यदि अपनी आता तो आपका ये विकल्प भी सही होता, तो तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए, लेकिन ये गलत है, तो ये भी आपका विकल्प गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला था इस ग्रंथ का निर्माण, दोस्तों ग्रंथ का निर्माण नहीं ग्रंथ की रचना की जाती है, तो इस ग्रंथ की रचना है ना, यहाँ पर अगर इस प्रकार होता तो भी तभी आपका ये विकल्प सही होता, लेकिन आपका ये विकल्प भी गलत है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है
तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, इनमें से आपको जो शुद्ध वर्तनी है जिस शब्द की उसको हमें चयन करके बताना है। रचयिता, अनुग्रहीत, आहार और सृष्टा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रचयिता, है ना। रचयिता की वर्तनी यही होती है जो कि शुद्ध है। बाकी अन्य विकल्पों की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुग्रहीत ये जो दिया गया है यहाँ पर इसकी शुद्ध वर्तनी रहेगी अनुग्रहीत। ठीक है, आहार दिया गया है तो आहार दोस्तों इस प्रकार नहीं इसको लिखते हैं, आहार लिखते हैं, क्लियर है। इसके बाद सृष्टा की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सृष्टा दिया गया है जबकि होता क्या है सृष्टा होता है, जिसमें सा पर रा इस प्रकार आता है, रा की मात्रा, तभी आपकी वर्तनी इसकी शुद्ध रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपकी अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें बताना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें भी आपको चार विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए पहला विकल्प है अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, दूसरा है इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, तीसरा है माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए और चौथा है तूफान आने का संदेह है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसमें आपको कोई भी अशुद्धि नहीं दिख रही होगी तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे विकल्प को देखेंगे, इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एकमात्र का कोई मतलब नहीं है, एकमात्र सिर्फ एक के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो कारण है तो इस सेंटेंस का जो शुद्ध रूप होता वो क्या होता, इसके दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो शुश्रूषा है इसका अर्थ होता है सेवा या फिर खुशामद करना, तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये विकल्प भी आपका सही है। यहाँ पर आपको दो विकल्प जो है वो सही दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। हालांकि आपको पेपर में इस तरीके से नहीं आएगा तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शुद्धि अशुद्धि जो दी जाती है वो इस शब्द में दी जाती है शुश्रूषा में। ठीक है, तो इसको आपको शुद्ध वर्तनी में ये पहले से ही दिया गया है, इसलिए ये भी आपका विकल्प बिल्कुल सही है, क्लियर है। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे, जो आपका चौथा विकल्प था वो था आपका तूफान आने का संदेह है। तो दोस्तों संदेह नहीं, तूफान आने का संदेह नहीं होता है, तूफान आने का क्या होता है खतरा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये विकल्प आपका गलत था। बाकी जो आपके ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन सी ये दोनों ही आपके बिल्कुल सही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें भी दोस्तों हमें एक शब्द की जो वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी का हमें इसमें चयन करना है। यहाँ पर देखेंगे उज्ज्वल, तो दोस्तों इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा है कवित्री, यही दोस्तों आपका गलत है, यानी कि ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। कवित्री को इस प्रकार नहीं लिखते हैं, आगे देखेंगे कवित्री, दोस्तों इसका शुद्ध रूप यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये जो है शुद्ध वर्तनी में लिखा है, उसके बाद मोक्ष इसकी वर्तनी भी शुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी जो थी कवित्री की इसका शुद्ध रूप भी यहाँ पर हमें दे दिया गया है एक ऑप्शन में, क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। चार ऑप्शन है आपके, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, दूसरा था आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, इसके बाद तीसरा ऑप्शन था यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, और चौथा है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपका कौन सा है जो शुद्ध वाक्य है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं है। बाकी अगर हम विकल्पों की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला विकल्प था आपका शासन संबंधी कार्य, ठीक है, तो यहाँ पर शासन संबंधी नहीं आपका यहाँ पर हो जाता, आपका शासन काल संबंधी कार्य नहीं होगा, है ना, यहाँ पर संबंधी कार्य नहीं होगा, यहाँ पर क्या होता आपका शासन काल अधिक विख्यात है, यहाँ पर पूर्ण जो लगा दिया है इसमें बाद में तो वो आपका गलत है, इतना आपका रहता आपका शासन काल अधिक विख्यात है तब आपका ये वाक्य पूरा शुद्ध रहता। इसके बाद
आपको भूमि भवन वाहन के यहां पर का दिया गया है दोस्तों, का गलत है इसमें, आपका यदि के होता तब ये आपका जो वाक्य है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता। आपको भूमि भवन वाहन के अभिनव शुक्ति की प्राप्ति हो गई, ठीक है। तो इसका ये जो अशुद्ध रूप दिया गया था उसका शुद्ध रूप क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। दोस्तों यहाँ पर पूरे भी आ गया और देश भर भी आ गया, तो यहाँ पूरे जो है ये आपका मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आपका सेंटेंस होता यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया तब ये आपका शुद्ध रहता, ठीक है। तो जो तीन विकल्प थे उनमें क्या क्या अशुद्धि थी उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है, और बाकी यदि हम सही विकल्प की बात करते हैं तो इसका चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है शुद्ध शब्द, इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन है आपके अनाधिकार, और इसके बाद है अहिल्या, अंतर्ध्यान और उपर्युक्त। तो दोस्तों यहाँ पर जो उपर्युक्त दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। बाकी यदि हम ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो अनाधिकार है ये अनाधिकार नहीं अनधिकार होता है, क्या होता है अनधिकार, यानी ना पे जो बड़े आ की मात्रा आई है ये गलत है, अब इसकी वर्तनी ये शुद्ध रहेगी। इसके बाद अहिल्या, दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले पार्ट में भी हमने इस शब्द को डिस्कस किया था, इसको हम शुद्ध रूप में अहिल्या इस प्रकार लिखेंगे। और अंतर ध्यान की यदि बात करते हैं तो दोस्तों अंतर ध्यान में आपका क्या रहेगा अंतर्धान रहता है, अंतर धान, ठीक है। तो ये क्या है आपके जो अन्य विकल्प दिए गए थे उनमें उनकी शुद्ध वर्तनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमें बताना है शुद्ध वाक्य का भी, इसमें भी क्या करना है हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपको चार विकल्प दिए गए हैं, पहला है आपका इस समय मोहन की आयु वर्ष है। दोस्तों ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ उम्र होगी मोहन की जो कि मेंशन नहीं की गई है यहाँ पर, आप यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए 20 या 25 वर्ष जो भी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन था वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, ठीक। इसके बाद दूसरा तीसरा ऑप्शन है मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, और चौथा है साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपकी कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं है। बाकी अगर हम विकल्प की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इस जो पहला विकल्प था इस समय मोहन की आयु, दोस्तों आयु नहीं यहाँ पर उम्र होना चाहिए था तब आपका ये वाक्य शुद्ध होता। क्या होता अगर उम्र होता तो ये आपका वाक्य शुद्ध होता। अब आप सोच रहे होंगे कि उम्र और आयु में फर्क क्या है, यहाँ पर दोस्तों उम्र और आयु जब किसी की उम्र बताते हैं तो उम्र जो शब्द है इसी का ही हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आयु का अर्थ हो जाता है समस्त पूरे जीवन काल की बात की जा रही है, कि अगर हम आयु लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि मोहन की जो आयु है वो सिर्फ 25 वर्ष है ना। तो इसीलिए आयु का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर, किसी की उम्र बताने के लिए मतलब एज बताने के लिए हमें उम्र शब्द का ही प्रयोग करना होगा। इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन था वे चाहे भले ही ना आए, अब यहाँ पर चाहे और भले दोनों आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर एक आपका शब्द नहीं होना चाहिए था। अब आप पढ़ के देखिए इसको चाहे हटा करके इसमें से वे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, तब ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद मध्यकालीन युग में, तो दोस्तों यहाँ पर मध्यकालीन युग नहीं मध्यकाल होना चाहिए था, ठीक है। मध्यकाल में कलाओं की नहीं कला की, यहाँ पर जो कलाओं दिया गया है ये गलत है, मध्यकाल में कला की बहुत उन्नति हुई, इस प्रकार ये आपका वाक्य शुद्ध रहता। और बाकी जो आपका ऑप्शन डी था ये पहले से ही शुद्ध है, तो आपके लिए ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें भी दोस्तों हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी बतानी है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, चिन्ह दवाइयां कृपया और निर्भर। तो दोस्तों निर्भर जो है इसमें कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वर्तनी दी गई है इसकी। इसके बाद चिन्ह की यदि बात करते हैं तो दोस्तों चिन्ह में जो हा बनता है लास्ट में इसमें नीचे हलंत आता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दवाइयों की अगर बात करें तो दवाइयां, दवाइयां में ई जो रहेगी वो छोटी ही रहेगी और या पे चंद्र बिंदु आता है, क्लियर है। इसके बाद कृपया में दोस्तों कृपया कृपया, इस प्रकार इन तीनों शब्दों की भी जो शुद्ध वर्तनी है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको शुद्ध वाक्य का चयन करके बताना है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है,
दूसरा है सुरेश को एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, और चौथा है सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है और आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है और बाकी सभी विकल्प के रूप जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, यानी कि तीन विकल्प ऐसे हैं जिनमें जो वाक्य दिए गए हैं वो शुद्ध हैं और एक आपका विकल्प जो है वो अशुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प देखेंगे, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है ना, और दूसरा है मुझसे यह काम संभव नहीं, तीसरा दिया गया है प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, और चौथा दिया गया है किसी आदमी को कानपुर भेज दो। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो अन्य तीन विकल्प देख पा रहे हैं यानी कि बी सी डी, ये आपके सही हैं, ठीक है, इसमें कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं है। लेकिन पहले विकल्प में जो दिया गया था शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख, दोस्तों दुख जो है ये कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, यहाँ पर कम या ज़्यादा कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका बहुत यदि शब्द होता, बड़ा की जगह क्या आएगा बहुत, तभी आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ, ना कि बड़ा दुख हुआ, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य, इसमें भी दोस्तों हमें, इसमें यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य बताना है, तीन आपके विकल्प हैं जो कि गलत दिए गए हैं और एक आपका सही है, तो सही का हमें चयन करना है, मैं तुमको कुछ कहता है, इसके बाद दूसरा है मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, तीसरा दिया गया है प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, और चौथा है तुम्हारे को जाना है। तो दोस्तों आप आसानी से इसमें विकल्प का चयन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल आपका सही है, बाकी जो अन्य विकल्प दिए गए हैं इनमें क्या क्या अशुद्धियां एक बार देख लेते हैं। मैं तुमको कुछ कहता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं दिया गया है, एक तो इसमें बिंदु नहीं आया है, एक तो ये अशुद्धि है इसमें, है ना, और मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, ठीक है, तब आपका ये विकल्प सही होता, मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, यहाँ पर है भी नहीं आएगा, हूँ आएगा, और मैं तुमसे, यहाँ पर क्या होता, तुमसे कुछ कहता हूँ, तभी आपका वाक्य शुद्ध होता। इसके बाद दूसरा था मैं, और मैं में आपका ये वाला मैं बनेगा, ठीक है, जिसमें वहाँ पे दो मात्रा और एक बिंदु आएगा, और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं, तो वाली नहीं वाले हैं, यहाँ पर दो लोग जा रहे हैं तो वाले और हैं, क्लियर है। इसके बाद तुम्हारे को जाना है, तो दोस्तों तुम्हारे को नहीं तुमको जाना है, तभी आपका विकल्प सही होता। लेकिन यहाँ पर जो तीन विकल्प थे उनमें क्या क्या अशुद्धि है उनको हमने देख लिया है, और आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल आपका सही है, इसमें कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं है। आगे देखेंगे, एक की वर्तनी शुद्ध है, इसका हमें चयन करना है, ऑप्शन ए है आविष्कार, दूसरा है देवाशी, तीसरा है निःशब्द, और चौथा है आपका जमाता। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें आपकी कोई भी अशुद्धि नहीं है, देवाशी नहीं होता है दोस्तों, इसका शुद्ध रूप होता है देवर्षि, क्या होता है देवर्षि होता है। इसके बाद निःशब्द की यदि बात करते हैं तो नी शब्द होता है जिसमें आपके विसर्ग लगता है ना के बाद, नी शब्द, क्लियर है। इसके बाद जमाता में दोस्तों जामाता होता है, क्या होता है जमाता नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप होता है जामाता, ठीक है, जामाता किसको कहते हैं, दामाद को, अपने यहाँ दामाद जी जो होते हैं ना, यानी कि बेटी के हस्बैंड, बेटी के पति, उसको क्या कहते हैं दामाद, और दामाद का ही पर्यायवाची होता है जामाता, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यहाँ पर भी हमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, पहला है भस्म, दूसरा है फाल्गुन, तीसरा है भीष्म, और चौथा है मृन्मय। ऑप्शन सी जो है वो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है इसमें, लेकिन बाकी जो विकल्प है उनमें आपका जो शुद्ध रूप क्या रहेगा उनको भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। भस्म का दोस्तों विकल्प जो है, जो शुद्ध वर्तनी है वो इस प्रकार रहेगी, फाल्गुन में आपका लास्ट में क्या आता है, ना आता है, ठीक है, फाल्गुन, और मृन्मय की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये मृन्मय, जिसमें मृन्मय यानी कि मिट्टी से बनी हुई चीज को मृन्मय कहते हैं, तो इसका ये शुद्ध रूप रहेगा, क्लियर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है, पहला आपका विकल्प दिया गया है पारलौकिक, दूसरा है निश्चेष, तीसरा है
दुर्दर्श और चौथा है आशीर्वाद। तो दोस्तों आपका जो अशुद्ध है वो आपका है निश्चेष, बाकी आपके जो दिए गए हैं वो सभी सही है, पारलौकिक भी सही है, दुर्दुष भी सही है और आशीर्वाद भी सही दिया गया है, आशीर्वाद। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कैसा था, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या रहेगी दोस्तों, निश्चेष्ट रहेगी। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या रहेगी, निश्चेष्ट। क्लियर है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसमें चेष्टा ना हो यानी किसी चीज की चाह ना हो, उसे क्या कहते हैं, निश्चेष्ट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उसका मैं चयन करना है। पहला है आपका पुस्तक मेज पर रखी, दूसरा है कच्चे तेल की कीमत घट गया है, और तीसरा दिया गया है यह है मेरे सपनों का घर है, और चौथा है कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, इसमें आप देख पा रहे होंगे आपको सिर्फ अशुद्ध वाक्य बताना है, एक अशुद्ध वाक्य है बाकी सारे सही हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है जिसमें आपका दिया गया है कच्चे तेल की कीमत घट गया है, घट गया नहीं घट गई है, यदि ये होता तब ये आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर गया है जो कि दिया गया था वो गलत था, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। बाकी आपके जो तीन विकल्प हैं वो ऑलरेडी आपके सही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का दोस्तों हमें चयन करना है। पहला है याग्वल्क, दूसरा है आपका सदृश, तीसरा है हस्तक्षेप और चौथा है गृहिणी। तो दोस्तों आपके जो अन्य तीन यानी कि लास्ट के जो तीन विकल्प हैं ये आपके बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर याग्वल्क जो है इसकी ही वर्तनी क्या है, अशुद्ध है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसका जो इसकी शुद्ध वर्तनी है दोस्तों वो क्या होगी, तो वो हो जाएगी आपकी याग्ञवल्क, यहाँ पर आधा का बनता है, जो आपके अशुद्ध में दिया गया था पूरा का, आधा का के बाद इसमें क्या आता है, या आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी क्या हो जाएगी, इस शब्द की शुद्ध वर्तनी रहेगी। याज्ञवल्क दोस्तों यदि हम बात करें तो ये एक ऋषि हुआ करते थे जो कि वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल के एक प्रसिद्ध ऋषि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क। क्लियर है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछ रहा है शुद्ध वाक्य है, इनमें से हमें एक शुद्ध वाक्य चयन करना है। राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी, दूसरा है राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी, तीसरा है राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदा, और चौथा है राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदे। तो आप देख पा रहे होंगे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट है, राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। ठीक है, यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो अंतिम शब्द के अनुसार आएगी, जो भी आपका यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो दो पुस्तकें खरीदी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। भाग्यमान, दूसरा आपका रामायण, तीसरा है वाल्मीकि और चौथा है आपका लालायित। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, लालायित जो है यही आपकी इस शब्द की शुद्ध वर्तनी होती है। बाकी यदि हम विकल्पों की बात करें तो भाग्यमान नहीं होता दोस्तों, होता है आपका भाग्यवान, क्या होता है, भाग्यवान, जिसमें ना पे नीचे हलंत आता है। इसके बाद रामायण नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, रामायण होता है, रामायण। क्लियर है, इसके बाद वाल्मीकि की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों वाल्मीकि में माँ पे आती है बड़ी की मात्रा और का पे रहेगी आपकी छोटी की मात्रा। ठीक है, वाल्मीकि। क्लियर है, तो बाकी जो अन्य अशुद्ध वर्तनी वाले थे उनके भी हमने शुद्ध वर्तनी देख ली है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करें, जो वाक्य आपका शुद्ध है वो उसका हमें चयन करना है, बाकी तीन आपके गलत दिए गए हैं। तो आपके ऑप्शन है कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें, है ना, दूसरा है कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, तीसरा है मेरे पत्र पर ध्यान दें कृपया, और चौथा है कृपा करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दें। तो दोस्तों इस यदि क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले ऑप्शन में कृपया और कृपा दोनों का प्रयोग हुआ है तो ये आपका गलत हो जाता है। तीसरे ऑप्शन में मेरे पत्र पर ध्यान दें कृपया, दोस्तों कृपया जो है ये आपका हमेशा वाक्य की शुरुआत में इसका प्रयोग करते हैं, और दोस्तों आपका जो लास्ट ऑप्शन था वो था कृपा करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दें, तो ये भी आपका गलत है। आपके लिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी हमें बतानी है रचयिता, अनधिकार, चिन्ह और अनुकूल। तो दोस्तों यहाँ पर अनुकूल जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, रचयिता जो है इसकी शुद्ध वर्तनी
ये हम देख भी चुके हैं, और जो कि इस प्रकार होती है रचयिता। क्लियर है। इसके बाद अनधिकार, ये दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं, चिन्ह भी मैंने आपको बता दिया है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला है, स्नेहा ने गीत की दो चार लड़ियां गाई, ठीक है। दूसरा है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तीसरा है, मुझे बड़ी भूख लगी है। और चौथा है, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, वो है वो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी आपकी अशुद्धि मौजूद नहीं है। यदि अन्य विकल्प की बात करते हैं, तो स्नेहा ने गीत की दो चार लड़ियां नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर कड़ियां होता तब ये आपका सही होता। लड़ियां फूलों की होती है, माला, जो माला की लड़ियां होती हैं, और गाने की क्या होती है, गीत की क्या होती है, कड़ियां होती हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा था, परीक्षा की प्रणाली बदलना, प्रणाली बदलना नहीं, प्रणाली बदलनी चाहिए, तभी आपका सही होता। और मुझे बड़ी भूख लगी है, तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी नहीं, यहाँ पर क्या हो जाता, बहुत भूख लगी है, तब आपका ये विकल्प सही होता। लेकिन अभी आपके इन सारे विकल्प में अशुद्धि जो मौजूद है, तो इसलिए आपके लिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, निसंदेह, निसंकोच, उज्ज्वल और महत्व। तो दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाले हमें शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों आपके लिए महत्व जो है ये आपका अशुद्ध है, बाकी जो विकल्प दिए गए हैं इनको आप ध्यान से देख लीजिए, इनकी वर्तनी शुद्ध है, पेपर में आपसे इनकी अशुद्धि दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका शुद्ध रूप ये पहले से ही मौजूद है, और ये इसी प्रकार से शुद्ध रूप में लिखे जाते हैं। महत्व की यदि बात करते हैं, तो दोस्तों ये अशुद्ध क्यों है, क्योंकि इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है महत्व, इसमें एक आधा था और पूरा था आता है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। दूसरा है, राजीव निरपराधी है। तीसरा है, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डाली। और चौथा है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो तीन विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, अहिल्या, अहिल्या इस प्रकार नहीं लिखते हैं, इसका मैंने आपको शुद्ध रूप बताया है क्या होता है, अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। राजीव निरपराधी है, तो दोस्तों यहाँ पर निरपराधी नहीं, यहाँ पर यदि होता निरपराध है तो आपका ये विकल्प भी सही होता, तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा था, अंगद रावण संवाद, तो दोस्तों यहाँ पर संवाद जो प्रयोग किया गया है इसको इस प्रकार नहीं बल्कि इस प्रकार प्रयोग करना था, संवाद, तब ये आपका जो विकल्प है वो सही होता। क्लियर है, तो इसलिए आपके लिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करने, तो दोस्तों यहाँ पर पूजनीय, पूजनीय, परिपार्श्विक, उज्जल और ज्योत्सना, इसमें आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है, यानी कि एक जो शब्द है वो शुद्ध है, एक विकल्प में मौजूद है, बाकी तीन विकल्प आपके अशुद्ध दिए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आप जो अन्य विकल्प देख रहे हैं, पूजनीय, उज्ज्वल और ज्योत्सना, दोस्तों ये तीनों ही शब्द मैंने आपको बताए हैं पिछले पार्ट में, अगर आपको मालूम है इन तीनों का आंसर तो आप मुझे इनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा, ठीक है। आपको इनकी नाम जो शुद्ध वर्तनी है इन शब्दों की, वो आपको नीचे कमेंट में मुझे मेंशन करके जरूर बतानी है, अगर आपको मालूम है तो आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है, इनमें से आपको चयन करना है जो शुद्ध वाक्य है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। दूसरा है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। तीसरा है, कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। और चौथा दिया है आपको, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो दोस्तों यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, इसमें सभी जो शब्द हैं वो आपके शुद्ध रूप में दिए गए हैं। अन्य विकल्पों की अगर बात करते हैं, तो ये है आपके, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण, दोस्तों यहाँ पदार्पण नहीं होगा, ठीक है, अगर आपका होता
यह तो अच्छा हुआ कि चोरों के घुसते ही, यहां पर आपका क्या आता कि चोरों के घुसते ही तभी आपका विकल्प जो है वो सही होता। तो यह तो अच्छा हुआ कि चोरों के घुसते ही मैं जाग गया। तो अब यहाँ पर ये पूरा अर्थ निकल रहा है इस वाक्य का। इसके बाद जो आपका अन्य विकल्प था, कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित है। दोस्तों यहाँ जनसमूह की जब बात आ गई तो यहाँ पर असंख्य जो है इस शब्द का यहाँ पर जो प्रयोग है वो निरर्थक हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर असंख्य अनुचित है। ठीक। इसके बाद रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। दोस्तों सुंदरतम जब शब्द आ ही गया है तो इसका मतलब ही होता है सबसे सुंदर। तो यहाँ पर जो सबसे आया है ये भी आपका गलत है, इसीलिए ये आपका विकल्प भी कैसा था, अशुद्ध था। क्लियर है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? आपको अशुद्ध वाले बताना है, बाकी आपके तीन जो है वो सही होंगे। तो पहला है आपका अध्याय, ये आप देख पा रहे हैं ये सही है। दूसरा है आपका उज्ज्वल, तो दोस्तों यही आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो आपके अन्य विकल्प दिए गए थे वो आपके आजीविका, ये भी आपका शुद्ध रूप में है। और चौथा था अभ्यस्त, ये भी आपका शुद्ध वर्तनी दी गई है। उज्ज्वल जो है दोस्तों ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका शुद्ध जो रूप है वो क्या रहेगा। अगर आपको बताना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला है ललित को दो बेटियां हैं, दूसरा है कर्म ही जीवन की कसौटी है, तीसरा दिया गया है डर के मारे चोर दौड़ गया, और चौथा है परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो गलत विकल्प है तो एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। ललित को दो बेटियां हैं, तो यहाँ पर को नहीं दोस्तों, ललित की होता तब आपका ये सही होता, ललित की दो बेटियां हैं, तो ये आपका गलत था। ठीक है। दूसरा था कर्म ही जीवन की कसौटी है, तो दोस्तों कर्म ही जीवन की कसौटी नहीं, यहाँ पर उपज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? उपज, तब ये आपका वाक्य सही होगा। लेकिन अभी ये गलत है तो ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। डर के मारे चोर दौड़ गया, दोस्तों चोर दौड़ेगा नहीं भागेगा, है ना, चोर क्या होगा भागेगा, तो चोर भाग गया, चोर भाग गया, तब ये आपका विकल्प सही होता। लेकिन ये भी आपका अशुद्ध था। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हमें बताना है। अनधिकार, उज्ज्वल, अनुसरण और उपलक्ष्य। तो दोस्तों देखिए बार बार आपका जो उज्ज्वल शब्द है ये आ रहा है, यानी कि ये शब्द आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो विकल्प है वो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपका शुद्ध रूप दिया गया है, और जो इसका शुद्ध रूप है वो आपको मालूम चल ही गया होगा। बाकी जो आपके विकल्प दिए गए हैं ये सभी आपके शुद्ध रूप में हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य कौन सा शुद्ध है? शुद्ध वाक्य चयन करना है। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। दूसरा है प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। तीसरा है इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। और चौथा है प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो शुद्ध रूप है वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये आपका वाक्य का कैसा रूप है? बिल्कुल शुद्ध रूप है। बाकी जो आपके अशुद्ध दिए गए हैं उनमें क्या क्या गलतियां हैं एक बार जल्दी से देखेंगे। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाए, नहीं रसगुल्ले खाए, है ना, रसगुल्ले 8-10 थे तो ज्यादा थे, तो खाया नहीं, खाए और रसगुल्ले होगा ना कि रसगुल्ला। क्लियर है, आगे देखेंगे। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, तो यहाँ पर हल्की सी हवा नहीं, यहाँ पर जो झोंका होगा वो हल्का सा होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इतने में हवा का एक हल्का सा झोंका आया। अगर आपका यहाँ होता तभी आपका सही हो जाता। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले, तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक श्रमिकों, जब एक एक श्रमिक की बात हो रही है तो यहाँ पर श्रमिकों नहीं सिर्फ श्रमिक होता, तभी आपका विकल्प सही हो जाता। यहाँ पर आपका शुद्ध रूप क्या रहेगा? प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपए मिले। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है उसका हमें चयन करना है। दिया गया है अनापेक्षित, दूसरा है षट दर्शन, तीसरा है आपका किलिष्ट, और चौथा है दोस्तों आपका परिवसान। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया है, पर्यवसान। जो आपके अन्य ऑप्शन थे इनको भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। अनापेक्षित
का जो शुद्ध रूप रहेगा वो क्या रहेगा, अनपेक्षित, अनपेक्षित। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था षड दर्शन, नहीं दोस्तों इसका होता है षड दर्शन, क्या होता है षड दर्शन। इसके बाद जो आपका क्लिष्ट था दोस्तों इसका शुद्ध रूप होता है क्लिष्ट, इसमें आधा का बनता है, ठीक है, क्लिष्ट। क्लिष्ट किसको कहते हैं, जैसे जो व्यक्ति कष्ट में पड़ा हुआ है तो जैसे क्लिष्ट व्यक्ति हो जाएगा तो क्लिष्ट, ठीक है। तो इसका शुद्ध रूप आपका इस प्रकार रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, आगे देखेंगे। एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। दूसरा था बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। तीसरा है वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। और चौथा है मैं सपरिवार सानंदित हूँ। दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य की बात हो रही, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका बिल्कुल सही है, इस वाक्य में आपकी कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं है। अन्य तीन जो विकल्प दिए गए हैं इनमें आपकी अशुद्धि है वो कौन कौन सी है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं, यहाँ पर दोस्तों बंदी होगा, ठीक है, बाजार में अवकाश नहीं होगा, क्या होता है बंदी, जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगला आपका विकल्प दिया गया था वह दुखी स्त्री, यहाँ दोस्तों स्त्री शब्द जो है ये आपका नहीं आना चाहिए, क्योंकि वैधव्यता विधवा स्त्री जो शब्द है इसको व्यक्त करता है, तो वैधव्यता का अर्थ क्या होता है विधवा, ठीक है, तो वह दुखी विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है, तो विधवा कौन होती है, स्त्री होगी, तो यहाँ पर स्त्री जो है शब्द नहीं आना चाहिए। इसके बाद मैं सपरिवार सानंदित हूँ, जब यहाँ पर सपरिवार आई क्या, यानी कि पूरा परिवार खुश है, तो यहाँ पर सानंदित नहीं सिर्फ आनंदित होगा, क्या रहेगा आनंदित, तभी आपका जो है विकल्प बिल्कुल सही होता। लेकिन अभी यहाँ पर शुद्ध वाक्य की यदि बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है वो कौन सा है, इसका हमें चयन करना है। पहला है खिवैया, दूसरा है अनन्नास, तीसरा है न्योछावर, और चौथा दिया गया है दोस्तों निरपेक्ष। आपके लिए ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, क्योंकि अनन्नास का शुद्ध वर्तनी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बाकी विकल्पों की शुद्ध वर्तनी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर खिवैया नहीं होता, होता है खिवैया, क्या होता है खिवैया, ठीक है। इसके बाद न्योछावर में दोस्तों आपका या पे जो है वो ओ की मात्रा आती है, ना कि औ की, न्योछावर इस प्रकार लिखते हैं, ये आपकी शुद्ध वर्तनी रहेगी। इसके बाद निरपेक्ष जो है दोस्तों इसमें रा की मात्रा दी गई है, बल्कि मात्रा नहीं इसमें पूरा ही रा आता है, तो निरपेक्ष, ठीक है, तो ये आपके शुद्ध वर्तनी इन शब्दों की रहेगी, और इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। आपको यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, नौकर आटा पिसवाने गया है, दूसरा है एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, तीसरा है यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, और चौथा है परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, क्योंकि इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। बाकी अन्य विकल्पों में देखें तो नौकर आटा पिसवाने, दोस्तों आटा कैसे पीसा जाएगा, है ना, आटा थोड़ी ना, आटा तो ऑलरेडी पिसा हुआ होता है। यहाँ पर आटा शब्द जो प्रयोग किया गया है वो गलत है, यहाँ पर होगा नौकर गेहूं पिसवाने गया है, क्या होगा गेहूं, ठीक है, तो इसीलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। दूसरा था आपका एक गुलाब के फूल की, तो दोस्तों एक गुलाब के फूल से माला कैसे बनेगी, बल्कि जो एक शब्द है ये यहाँ पर गलत है, इसको हम माला से पहले लगाए तभी ये सही होगा, गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, तभी आपका क्या हो जाता, ये यहाँ पर जब एक आएगा तभी आपका वाक्य शुद्ध होगा, लेकिन अभी यह अशुद्ध है तो ये भी गलत है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, तो दोस्तों ये भी गलत है, यहाँ पर जो सर्वोत्कृष्ट जो शब्द आया है इसको चिकित्सा से पहले हमें इसका प्रयोग करना होता है, तो तब आपका ये विकल्प सही हो जाता है, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। वाक्य को देखिए दोस्तों इस प्रकार हमें लिखना होता है जिसका कोई अर्थ निकले, तो यहाँ पर ज्वर, ज्वर का अर्थ क्या होता है बुखार, और बुखार की सबसे अच्छी चिकित्सा यानी कि सबसे अच्छा इलाज होता है, तो सर्वोत्कृष्ट का मतलब क्या होता है सबसे अच्छा, तो सर्वोत्कृष्ट क्या होगी चिकित्सा, ना कि ज्वर, है ना, तो इसीलिए ये विकल्प भी आपका गलत था। आगे देखेंगे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, सौजन्यता, दूसरा है सौजन्यता, तीसरा दिया गया है सौजन्य, और चौथा है सौजयन। तो दोस्तों आपके जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौजन्य की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर,
अगला प्रश्न हमें बताना है निम्न में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है। तो आपके लिए चार ऑप्शन है, बनारस में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल है, दूसरा है दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल है, तीसरा दिया गया है माता जी कल बाजार से सामान लाएंगी, और चौथा है दोस्तों आपका उसको ठंडा फ्रिज का पानी दो। यहाँ पर आपको अर्थ की दृष्टि से सही वाक्य यानी कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, अनेक दर्शनीय स्थल है दिल्ली में। बाकी जो अन्य विकल्प दिए गए हैं तो दोस्तों यहाँ पर बनारस में देखने योग्य, तो दोस्तों देखने योग्य और दर्शनीय स्थल तो यहाँ पर दो दो बार एक तरीके से सेंस निकल रहा है, दो दो अर्थ, दो शब्द एक ही अर्थ देने वाले यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए आपका ये विकल्प गलत है। अगर आपका ये विकल्प होता बनारस में अनेक दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर देखने योग्य जो है ये गलत है, इसका कोई यहाँ पर अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसीलिए ये विकल्प भी आपका गलत है। माता जी कल बाजार से सामान लाएगी, दोस्तों यहाँ लाएगी नहीं लाएंगी होगा है ना, माता जी, तो यहाँ पर और जो कल आया है इसको आप माता जी से पहले लगाएं तो आपका सेंटेंस बनेगा कल माता जी बाजार से सामान लाएंगी, ना कि लाएगी है ना। सम्माननीय जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए हमें हमेशा जो हमारी क्रिया आती है वो बहुवचन के रूप में आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका अगला विकल्प था उसको ठंडा फ्रिज का पानी दो, दोस्तों फ्रिज जो ठंडा होता है वो पानी होता है ना कि फ्रिज है ना, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें जो है वो आपकी ठंडी होती है, तो उसको फ्रिज का ठंडा पानी दो तभी आपका विकल्प सही होता, लेकिन ये अशुद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आपका शुद्ध जो रूप में था वो आपका ऑप्शन बी था। आगे देखेंगे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें आपका निलिप्त, निर्लिप्त, निर्लप्त और निर्लिप्त, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, निर्लिप्त, ठीक है, ये आपकी शुद्ध वर्तनी होती है इस शब्द की। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य चयन करना है, मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, दूसरा है वह आदमी अच्छा नहीं है, तीसरा है एक दूध का ग्लास दो, चौथा है प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते हैं। आपके लिए शुद्ध वाक्य की यदि बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपकी कोई भी अशुद्धि नहीं है, साधारण सा वाक्य है वह आदमी अच्छा नहीं है, बस ये आपके लिए सही हो जाएगा। अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो दोस्तों लिखा है मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, तो यहाँ मेरे को नहीं मुझको होता तब आपका ये वाक्य सही होता, मुझको आपका काम बहुत पसंद है तो ये आपका गलत हो जाएगा है ना। इसके बाद एक दूध नहीं, दूध काउंटेबल तो होता नहीं है, तो दूध का एक, यहाँ पर एक जो है वो ग्लास से पहले हमें लगाना था, दूध का एक ग्लास दो, तो ये विकल्प भी आपका गलत था। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक की बात हो रही है यानी कि हर एक चित्र की बात की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आपकी क्रिया आएगी वो आपकी सिंगुलर यानी कि एक वचन के हिसाब से रहती है, तो प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता, यहाँ बुरे भी नहीं होगा, क्या होगा बुरा होगा, तब आपका ये वाक्य सही होता, प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर यह आपका वाक्य पहले से ही गलत था। आगे देखेंगे शब्द की सही वर्तनी हमें बतानी है, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक और सौंदर्यवर्धक, तो आप देख पा रहे हैं और ये आपने देखा भी होगा कई बार, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, सौंदर्यवर्धक इसकी शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूं, दूसरा है परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, तीसरा है शायद वह अवश्य आएगा, और चौथा है आपका भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य हमें बताना था है ना, तो शुद्ध वाक्य की यदि बात करते हैं तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर डी में जो वाक्य दिया गया है वो बिल्कुल शुद्ध है, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, इसमें कोई भी आपकी अशुद्धि मौजूद नहीं है। अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ ना कि कर देता हूँ, अपने लिए तो काम किया जाएगा ना, तो कर लेता हूँ, देता नहीं है, है ना, तो इसीलिए ये आपका विकल्प गलत है। इसके बाद अगला था आपका परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, दोस्तों यहाँ पर जो अंग्रेजी है ये आपका अशुद्ध दिया गया है, अंग्रेजी का शुद्ध रूप जो है वो हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं, अंग्रेजी अनुस्वार आता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद शायद वह अवश्य आएगा, दोस्तों दोनों कंडीशन कैसे हो सकती है, शायद यानी कि मतलब संभावना है और अवश्य का मतलब डेफिनेटली निश्चित है, ऐसा भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर या तो आपका सेंटेंस इस प्रकार होता शायद वह आएगा है ना, या फिर होता कि वह अवश्य आएगा,
तब आपका ये वाक्य सही होता है, इसीलिए ये विकल्प भी आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ और बुक्कड़। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका बुक्कड़ दिया है ये आपका शुद्ध है, बाकी आपकी सभी शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। इसमें दोस्तों बुक्कड़ को देखिए किस प्रकार हम इसको शुद्ध करके लिखेंगे। यहाँ पर जो आपका आधा खा और पूरा खा दिया गया था, इसमें आधा खा की जगह आधा खा आता है, बाकी आपका जो शब्द है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ही इसकी क्या हो जाएगी, शुद्ध वर्तनी हो जाएगी बुक्कड़। क्लियर है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है ये वाक्य का शुद्ध, इनमें से एक वाक्य जो दिया गया है वो शुद्ध रूप में है। देखते हैं, पहला आपका दिया गया था भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। दूसरा है एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। तीसरा है गांधी जी चरखा चलाते थे। और चौथा है एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका पहला वाक्य था, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दय शासक हुए, निर्दय नहीं यहाँ पर निर्दय होगा तब आपका ये विकल्प सही होता है, इसीलिए ये विकल्प आपका गलत है। एकत्रित भीड़, तो दोस्तों भीड़ जब है तो वो सीधी सी बात है एक साथ ही होगी, तो यहाँ पर एकत्रित जो शब्द है ये अनुचित है, इसको यहाँ पर हमें प्रयोग नहीं करना था, इसीलिए ये विकल्प भी आपका अशुद्ध है। गांधी जी चरखा चलाते थे ये आपका शुद्ध रूप में दिया गया है वाक्य, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले विकल्प में आपका था एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अब एक एक करके भी आया और प्रत्येक भी आया, तो दोनों आपके जो शब्द हैं इनको एक साथ हम प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रत्येक अगर हम हटा देंगे और इसके बाद यहाँ से कर, तो एक एक कर छात्र कक्षा से निकल गए, तब ये आपका विकल्प सही होता, लेकिन ये आपका अशुद्ध था, तो इसीलिए आपका ये विकल्प गलत हो जाएगा। आपके लिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, यहाँ पर हमें अशुद्ध शब्द का दूसरा चयन करना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रादेशिक, दूसरा है माधुर्य, तीसरा है व्याप्त और चौथा है प्रमाणिक। आपका ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट है, यानी कि ये आपका अशुद्ध रूप में दिया गया है। प्रामाणिक नहीं होता है दोस्तों, प्रामाणिक होता है, क्या होता है, प्रामाणिक, तब आपका इस शब्द की वर्तनी शुद्ध होती है। बाकी जो अन्य तीन विकल्प दिए गए हैं इनकी वर्तनी पहले से ही शुद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य हमें पहचाना है। पहला ऑप्शन है जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, दूसरा है देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तीसरा है वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, और चौथा है बुराई को बढ़ावा नहीं दो। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शुद्ध वाक्य की हम बात कर रहे थे, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बाकी जो विकल्प गलत है उनमें भी एक बार देख लेते हैं क्या गलतियां हैं। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, दोस्तों यहाँ पर जब तुम फोन करोगे तब मैं, है ना, यहाँ पर तो नहीं, तब आता तभी आपका सही होता है, इसलिए ये विकल्प गलत है। वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, तो दोस्तों यहाँ पर वह बहुत तेज दौड़कर चला गया, वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, तो ये गलत है ना, यहाँ पर क्या होता, वह बहुत तेज दौड़कर चला गया, तभी आपका विकल्प सही होता है, इसीलिए आपका ये विकल्प गलत है। और बुराई को बढ़ावा नहीं दो, तो दोस्तों बुराई आपका जो है ये गलत रूप में दिया गया, बुराई में बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है, तो अब ये आपका विकल्प सही होता, लेकिन ये भी गलत है। आगे देखेंगे, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उद्घोष, तात्कालिक, एकता और उपरोक्त। आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी, है ना, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। और इसकी हम शुद्ध वर्तनी डिस्कस कर चुके हैं, यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट में मुझे लिख करके जरूर बताएं। और बाकी जो तीन विकल्प दिए गए हैं ये दोस्तों आपके सही वर्तनी में है। क्लियर है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन का चयन करना है, यानी कि शुद्ध वाक्य आपका जो दिया गया है उसको हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन थे डॉक्टर साहब मरीज देखने गए हैं, दूसरा था लड़का लोग खेलता है, तीसरा है आपका राम अनेकों बार वहां गया है, और चौथा है आपका डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो दोस्तों ये काफी आसान जो सेंटेंस दिए गए हैं, इनके आप जो सही विकल्प हैं वो आप अगर आपको मालूम है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, आप इनके आंसर जो इनके शुद्ध रूप हैं वो आप कमेंट में मुझे लिख करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो अन्य आपके विकल्प दिए गए हैं ये बहुत ही आसान है दोस्तों, आप
कुछ जो है उनके जो अशुद्ध रूप है उनके शुद्ध करके आप भी मुझे बताएं, तो इससे मुझे पता चले कि आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है और कितना आपको तैयार है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, इन नामों में से एक ही वर्तनी अशुद्ध है, उनका हमें चयन करना है। कौशल्या, मेघनाथ, मैथिली शरणगुप्त, और चौथा आपका विकल्प दिया गया है राहुल सांस्कृत्यायन। तो दोस्तों आपकी वर्तनी अशुद्ध वाली बतानी है, तो आपका ऑप्शन डी में ही ये वर्तनी आपके अशुद्ध मौजूद है। बाकी आपके जो तीन विकल्प दिए गए हैं ये तीनों ही आपके शुद्ध रूप में दिए गए हैं। दोस्तों सांस्कृत्यायन नहीं होता है राहुल, ये तो सही है, राहुल सांकृत्यायन होता है। क्या होता है? सांकृत्यायन। क्लियर है? तो ये आपका शुद्ध रूप बनेगा सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, ये हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं जो यात्रा वृतांत के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन था, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। दूसरा था, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई। तीसरा है, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। और चौथा है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो दोस्तों एक एक करके विकल्प को देखेंगे। रोगी अपनी कमजोरियों, यहाँ पर आपका क्या रहेगा? रोगी अपनी कमजोरी, क्या रहेगा? रोगी कमजोरी अपनी, यहाँ पर अपनी जो शब्द है ये आपका गलत है। यहाँ पर आपका विकल्प अगर इस प्रकार होता, रोगी कमजोरी के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, तभी आपका सही होता, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा था, राजपथ की सड़क से। दोस्तों राजपथ ये सड़क का ही नाम है, तो यहाँ पर जो सड़क आया है ये आपका गलत है। यहाँ पर आपका सही वाक्य क्या होता है? राजपथ की झांकियां वापस लौट गई। ठीक है, और राजपथ की नहीं बल्कि यहाँ पर होता है आपका राजपथ से, क्या होता है? राजपथ से झांकियां वापस लौट गई, तभी आपका विकल्प सही होता, लेकिन यहाँ पर अशुद्ध है। इसके बाद अगला था, शिकारी उस पर गोली चलाई। ये आपका शिकारी नहीं, उस पर नहीं, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। शिकारी ने, यहाँ पर उस पर की जगह क्या आता है दोस्तों? ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, तभी आपका विकल्प सही होता, लेकिन ये भी गलत है। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये आपका दोस्तों बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे देखेंगे अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वर्तनी जो शब्द है उसका हमें चयन करना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कृशांगनी, दूसरा है कृशांगी, तीसरा है कृशांगी, और चौथा है कृशांगी। दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृशांगी। इसकी शुद्ध वर्तनी आपको ध्यान रखनी है। कृशांगी जो दोस्तों शब्द है, इसका अर्थ होता है दुबले पतले शरीर वाली युवती। ठीक है, दुबले पतले शरीर वाली स्त्री को क्या कहते हैं? कृशांगी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और दूसरा है वो जा रहे हैं, तीसरा दिया गया था दोस्तों आपका सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है होती है, और चौथा है उन्होंने छक करके पेट भर खाना खाया। यहां पर हमें शुद्ध वाक्य का दोस्तों हमें चयन करना था, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको बिल्कुल करेक्ट है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये सच्चाई भी है ना? यदि आपको आलस आता है तो यही आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है आपके जीवन में। ठीक है, इससे बड़ा आपके लिए कोई भी दुश्मन नहीं है। ये वाक्य बिल्कुल सही है, और इसका रूप भी है वो बिल्कुल सही दिया गया है। अन्य विकल्प की यदि बात करें तो दोस्तों इनमें क्या क्या अशुद्धि एक बार देख लेते हैं। वो जा रहे हैं, ये गलत है, वे जा रहे हैं तभी आपका सही होता, इसलिए ये गलत है। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है ना कि अच्छा होता है, तो ये भी गलत था। उन्होंने छक कर के पेट भर खाना खाया। दोस्तों दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? छक कर खाना खाया या फिर पेट भर के खाना खाया, तभी आपका सही होता, इसीलिए ये विकल्प भी आपका गलत है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ज्योत्सना, उज्ज्वल, श्रृंगार और अध्यात्म। यहाँ पर आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो आप देख पा रहे हैं अशुद्ध वर्तनी जो दी गई है ये आपकी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की दी गई है। बाकी अन्य विकल्प जो है वो आपके शुद्ध रूप में है, उज्ज्वल, श्रृंगार और अध्यात्म, इसी प्रकार लिखे जाते हैं। ज्योत्सना दोस्तों ये मैंने आपको कई बार बताया है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख करके बताना है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले भी पूछे हैं शायद उसमें आया है, तो आपको एक ही बार इसका आंसर लिखना है अगर आपको पता है तो। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो कौन सा है?
पहला आपका ऑप्शन दिया गया है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। दूसरा था, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तीसरा है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। और चौथा है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो आपको शुद्ध रूप जो बताना है, तो दोस्तों आपके लिए ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें कोई भी अशुद्धि आपकी मौजूद नहीं है। ठीक है, अन्य विकल्प में देखेंगे, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, न कि पीती हैं, ये गलत है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तो दोस्तों आपत्ति करना अपने आप में पूरा हो चुका है, इसमें यहाँ पर प्रकट जो आया है ये आपका गलत दिया गया है, इसलिए आपका ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। तमाम देश भर में, देश भर की बात हो गई तो इसमें तमाम जो शब्द है इसका यहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं है, देश भर में यह बात फैल गई, इसलिए ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, आपका दिया गया है अभ्यांतरिक, आभ्यांतरिक, अभ्यंतरिक और आभ्यंतरिक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आभ्यंतरिक। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। दूसरा है, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। तीसरा दिया गया है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। और चौथा है, ऐसी एक आध बातें और देखने में आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका शुद्ध वाक्य है वो आपका रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। इसमें आपकी कोई भी अशुद्धि नहीं है। अन्य विकल्पों में देखेंगे तो आपका यहाँ पर पहला दिया गया है, मैं आपका दर्शन, नहीं, दर्शन हमेशा होता है तो आपके बोलते हैं, ठीक है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। कुछ आपके शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिए, चाहे भले आप एक के लिए प्रयोग करें या एक से ज्यादा के लिए, लेकिन उनके लिए जो अन्य शब्द हैं वो हमेशा आपके बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे प्राण निकल गए, ना कि प्राण निकल गया, है ना, ऐसे ही दर्शन है तो दर्शन कर लिए, ना कि दर्शन कर लिया, तो इसीलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला था, इस बात के कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो यहाँ पर इस बात को क्या होता, इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, तब ये आपका सही होता है, इसीलिए ये भी गलत है। ऐसी एक आध बातें और देखने में आती हैं, तो यहाँ पर बातें नहीं, बात क्या होता, बात होता, ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, तो इसीलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा, आती है नहीं, आती है। क्लियर है दोस्तों, आगे देखेंगे, एक की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। पहला है अनन्नास, दूसरा है अक्षोहिणी, तीसरा है अकाल और चौथा है आकस्मिक। तो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वर्तनी अनन्नास, ये अभी हमारी एक क्वेश्चन में और आया था ये शब्द, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अन्य जो शब्द दिए गए हैं, अक्षोहिणी, तो दोस्तों अक्षोहिणी ये मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया था, अक्षोहिणी क्या है अगर आपको मालूम है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखने से। दोस्तों कमेंट सेक्शन में मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, इससे एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा और बार बार लिखने से आपको चीज़ें लंबे समय तक के लिए याद हो पाती है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे अगर आपको उनके आंसर मालूम है तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताएं। ठीक है, अकाल में दोस्तों यहाँ पर अकाल ये गलत दिया गया है, इसका शुद्ध रूप होता है अकाल, क्लियर है। इसके बाद अगला जो आपका ऑप्शन था आकस्मिक, तो दोस्तों आकस्मिक जो दिया गया है ये गलत है, इसमें आपका आकस्मिक, ठीक है, का आपका पूरा रहेगा और आपका सा आधा बनेगा, तभी आपका शब्द सही होगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे, लास्ट के दो प्रश्न बचे हैं हमारे इस वीडियो के, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य चयन करना है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। दूसरा था, बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। चौथा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं पहला ही आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। ये वाक्य जो है इसको हम डिस्कस कर भी चुके हैं, इसमें क्या गलती है तो ये आपको ध्यान रखना है। कई रेलवे, दोस्तों रेलवे तो एक ही है ना, रेलवे के कर्मचारी कई सारे हो सकते हैं, तो इसीलिए ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तभी आपका सही होता। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, तो दोस्तों अनेकों जो है ये अपने आप में खुद ही एक बहुवचन शब्द है, इसमें आपका इस शब्द का खुद का कोई बहुवचन नहीं बनता है, तो इसीलिए ये वाक्य आपका शुद्ध किस प्रकार बनता, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तब आपका ये सही होता, लेकिन ये आपका गलत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, अनुग्रहित,
दूसरा था अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित। तो दोस्तों आपको पता है इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? तो दोस्तों अनुग्रहित जो होता है ये आपका शुद्ध शब्द इस प्रकार लिखा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो के टॉप, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वाक्य और वर्तनी शुद्धि, इसके टॉप 60 क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, उसका आपको आंसर जरूर दिया जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन जो है वो दोस्तों आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।